तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। आज हम अभी पहुंच चुके हैं जयपुर स्टेशन पे और इस ट्रेन से हम लोग आए हैं सैनिक एक्सप्रेस। रात को चढ़े थे 11:30 बजे और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:50। ट्रेन कुछ ज़्यादा फास्ट था, एडवांस 40 मिनट उतार दिया। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ब्रश कर लिया है और यहाँ से अब हम निकलने वाले हैं। देखते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं है क्या करना क्या नहीं करना है, आगे जाके देखते हैं क्या है। तो देखिए आपको बताते हैं। चलिए, यहाँ का ट्रेनें और दीवारों पे पिंक कलर थोपा हुआ है, कलर किया हुआ है, तो इसका भी एक राज है कि इसको जयपुर को इंडिया का पिंक सिटी बोला जाता है और इसलिए शायद जहाँ भी आपको नज़र जाएगी हर जगह पिंक पिंक ही दिखेगा, बिल्डिंग हो या रेलवे स्टेशन या कुछ और। अभी हम स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, देखते आगे क्या है। सुबह का समय, अभी तक कुछ खाया नहीं है, हमें पहले खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कहाँ को कहीं जाके कुछ खाना है क्योंकि बहुत देर की भूख लगी है। और ये देख सकते हैं स्टेशन का बाहर का जो लुक है जो कि बहुत ही सुंदर है और एक अलग ही यूनिक है, जहाँ पे आप आगे छोटा छोटा कुछ ये लगा हुआ है तो वो कुछ अलग ही लग रहा है, जयपुर बोल के पता चल रहा है जो हाँ ये जयपुर है, अलग से है, राजस्थान का कुछ अलग ही फीलिंग होता है। और ये भी पूरा स्टेशन भी पिंक ही पिंक है और धूप यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा है, सुबह का समय है लेकिन धूप ऐसा है जैसे दोपहर हो रहा है, धूप हम लोग से कुछ बर्दाश्त के बाहर ही चल रहा है अभी। तो हम अभी स्टेशन के बाहर आ चुके हैं खाने की तलाश में। तो ये है यहाँ के डबल डेकर बस जो कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस घूमने में मदद करती है, आसपास के टूरिस्ट प्लेस घुमाती है। और हम अभी ई रिक्शा पर बैठ के जा रहे हैं अपने होटल रूम के लिए। तो होटल से फ्रेश होके हम शाम को निकल चुके हैं बाहर घूमने के लिए और आज हम सोच रहे हैं जाने को चौकीदानी, जो कि यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। ऐसे बाहर घूमने आ गए हैं, अभी यहाँ पे आए हैं, नारियल पानी पियेंगे। कर लिया है चौकीदानी जाने के लिए, जिस ऑटो का फेयर पड़ा है हमें 250 रुपये। ये जो बनाया हुआ है चौकीदानी, ये सिटी का टोटल ही बाहर है तो इसलिए कुछ अलग ही यूनिक लगता है। देखो तो सिटी का प्लेस में घूमने में कुछ अलग मज़ा है और बाहर में घूमने का अलग मज़ा है, और सिटी में ही अगर बाहर का मज़ा आ जाए तो और क्या कहना। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर चौकीदानी, आप देख सकते हो नाम, और ये एंट्री गेट है सामने। यहाँ पे रास्ते से कुछ नीचा है तो यहाँ पे रैम बना हुआ, अच्छे से नीचे जा सकते हो। और यहाँ पे आप भैया जी को देख सकते थे जो उन्होंने यहाँ का जयपुर का ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए हैं, और ये जो गेट है कुछ अलग ही लग रहा है, जयपुर राजस्थान का पूरा एक वहाँ पे बैठा हुआ है कल्चरल जैसा होता है तो अलग ही है कुछ देखने को मिला। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हो एक गाँव का फीलिंग भी आ रहा है और शहर का फीलिंग भी है, तो अच्छे से बनाया हुआ है। और स्वागत के लिए यहाँ पर कुछ लड़कियाँ रहती हैं जो आपको
तिलक लगा देती हैं और उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं। तो इसका एक चार्ज ले देना पड़ता है हमें, और जो की है अराउंड 800 रुपीज़ पर पर्सन और 1100 रुपीज़ पर पर्सन। 800 है वेजिटेरियन के लिए, 1100 है नॉन वेज के लिए। तो हम आए हैं 800 के रुपीज़ के ये पे, तो एंट्री हो चुका है हमारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो भुट्टे हैं, भुट्टे को बॉईल करके यहाँ पे मसाला देके बेचते हैं। यहाँ पे अलग अलग चार्ज है खाने का, कुछ अगर खाना चाहते हो तो अलग से ले सकते हो। यहाँ पे भुट्टे का चार्ज 25 रुपये करके है, और आगे भी सब कुछ है, बहुत कुछ है खाने के लिए। और फ्री जो है वो अलग से है, फ्री हम लास्ट में खाएंगे, पहले घूम लेते हैं, क्योंकि खाने के बाद घूमना पॉसिबल नहीं है। अंदर में यहाँ आने के बाद एक ऐसी अजब सी फीलिंग आती है, मतलब ऐसा अजब नहीं, बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है, क्योंकि माहौल जो है पूरे गांव की तरह लग रहा है, जैसे गांव में एक बस्ती में सब कुछ हो रहा है। और यहाँ सामने कुछ का भी बिक्री हो रहा है, पानी पूरी, और पानी पूरी का रेट भी सही है, 10 का 5 है, बाहर 10 के 4 ही देते हैं, उसके हिसाब से सही है। तो यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि मतलब जो राजस्थान का ट्रेडिशनल गांव होते हैं, ट्रेडिशनल जैसे गांव में जैसे माहौल होता है, तो आप गांव को अगर कल्चर का देखना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है। और मैं घूमा हूँ बहुत जगह, लेकिन ऐसे मिट्टी पे जो एक मिट्टी है नीचे की, वो मिट्टी गांवों में ही दिखने को मिलती है, ऐसा लगा मुझे। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं एक गाँव में आ चुका हूँ, और जहाँ पर बहुत सारे अच्छे मेला लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है आने के बाद यहाँ पर। और अलग अलग से सब जगह में छोटा छोटा एक छोटा छोटा पार्ट बना के वहाँ पे कुछ ना कुछ अलग अलग यूनिक सामान दिए हुए हैं। तो मैं पहली बार राजस्थान में आया हूँ, तो मुझे पता नहीं है कौन सा क्या चीज़ है, अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट जो है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप ऊँट घोड़े की सवारी कर सकते हो, जो कि सिर्फ 20 रुपये लेते हैं पर सवारी के। और यहाँ पे नाव भी है, नाव पे भी सवारी कर सकते हो, उसका भी 20 रुपया लेता है। और ब्लॉक कार्ट भी है, घोड़े घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी और ऊँट गाड़ी भी है, उसका भी सवारी का सिर्फ 20 रुपया चार्ज, सब कुछ का 20 रुपया चार्ज है, आप आराम से घूम सकते हो। बट जो बोट है, बोटिंग के लिए बहुत ही लंबा लाइन लगना पड़ता है, जो कि क्योंकि बहुत सारे लोग कम से कम आधा घंटा वेटिंग में रुकना ही पड़ता है। और इसका जो टाइमिंग है चौकीदानी का, ये बताना मैं भूल गया, ये 6 PM to 10 PM होता है, तो 6 बजे शाम को ही खुलता है। हम आ चुके हैं लगभग 5:30 बजे ही पहुँच गए थे, और हमें एंट्री करने दिया, बट ये 6 बजे से खुलता है। और ये नदी का एक छोटा सा व्यू है, छोटा सा झरना बना नदी बना कर रखा हुआ है यहाँ पर। तो पानी बहुत ही गंदा ही लग रहा है, हरा हो चुका है कलर। और यहाँ पे जो है, और ये यहाँ का सबसे यूनिक प्लेस है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा बस्ती बना के रखे हुए हैं। और इस बस्ती में इंडिया का हर एक छोटा छोटा मतलब स्टेट का एक छोटा सा रूम और उसका कल्चर दिखाया गया है, अंदर में कैसा रहते हैं वो लोग, कैसे रहते हैं अंदर में। तो वो सब कुछ अलग ही यूनिक लगा, क्योंकि ये जगह ये सामान सब जगह देखने को नहीं मिलता। ये गोवा का है, देख सकते हो, तो सब जगह का अलग अलग है, महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और काश्मीर, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बहुत हर शहर का मतलब एक दिया हुआ है, और वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में थोड़ा दिखाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये ब्रिज है, फुट ब्रिज नदी के ऊपर से, ताकि आप नदी का भी थोड़ा सा नज़ारा देख सको। और उस पार भी कुछ कुछ हल्का सा बना हुआ है, तो मैं इस पार जा नहीं पाया था, क्योंकि वहाँ पर 2-3 स्टेप्स थे, तो फिर भी आपको दिखाने के लिए ये वीडियो में कैप्चर करवा लिया था। ये जम्मू कश्मीर का बोट हाउस है, जो कि हम गए नहीं हैं जम्मू कश्मीर, फ्यूचर में ज़रूर जाएंगे अगर किस्मत में रहा तो, इरादा तो है, देखते हैं। और बोट हाउस का सवारी भी करेंगे, पर अभी यहाँ पे बोट हाउस कैसा लगता है चलिए हम देख लेते हैं यहीं पे एक बार, क्योंकि आगे कब जाएंगे पता नहीं, तो यहीं पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेज भी है, जो कि कुछ परफॉर्मेंस के लिए बना हुआ है। और यहाँ देख सकते हो हर एक छोटा छोटा स्टेट का छोटा छोटा रूम बना हुआ है। चलिए कुछ राज्यों का जो अंदर का लुक है वो देख के आते हैं, कैसा लगता है, तो आइए हमारे साथ।
हाँ जाए फिलहाल वही ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो गांव का जो एक छोटा सा झोपड़ी होता है, जैसे लुक होता है गांव में कैसे रहते हैं, तो उसका भी लुक दिया हुआ है, छोटा छोटा झोपड़ी अलग अलग शहरों के। तो ये भी बहुत ही अच्छा लगा देख के कि ये अलग सिर्फ बड़े बड़े शहरों के नहीं, छोटे छोटे गाँवों के भी कैसे कैसे रहते हैं, तो वो भी दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर है। और नीचे सबसे अच्छा है जो मिट्टी है, वो मिट्टी का एक सुगंध अलग ही आता है, तो गाँव की फीलिंग पूरी तरह ले पा रहा हूँ मैं। और एक फ्रेश एयर जो होता है गांव का, वो भी फ्रेश एयर मिल रहा है यहाँ पे। तो सामने जो देख पा रहे हो आप, एक बड़ी सी गुफा है छोटी सी, और जो कि बहुत ही भयानक आवाज़ आ रहा है अंदर से, और देखने का कुछ अलग ही लुक लग रहा है। तो चलिए यहाँ अंदर से जाते हैं, कुछ आवाज़ें आ रही है आपको सुनने में मिलेगी। गुफा पार करके हम पहुंच चुके हैं कुछ अलग ही वातावरण में, और यहाँ सामने हमें देखने को मिल रहा है एक झील सा बना हुआ है, और जहाँ पे झरने का पानी आ रहा है, और यहाँ पे ऊपर में रूफ हाउस है, तो ऊपर से अलग ही नज़ारा होगा। हम तो व्हीलचेयर से नहीं जा पाएंगे, पर आपको दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा कैसा है, ऊपर से आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से जो लुक है दूर दूर तक कैसा है, सब बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, और मैं यहाँ पर नीचे ही हूँ। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये माता वैष्णो देवी का एक छोटा सा बनाया गया है मंदिर, ताकि आपको थोड़ा सा फीलिंग आ जाए ऊपर जाओगे तो कैसा है। और यहाँ पे भी एक गुफा है जहाँ पे बहुत ही भयानक आवाज़ भी आ रही है और अंधेरा भी बहुत है, तो देखिए यहाँ पे कैसा लग रहा है। गुफा बहुत ही डरावना था, तो निकल चुके हैं यहाँ से और देखते हैं यहाँ पे क्या। यहाँ पे एक हल्दी घाटी की छोटी सी झलक भी दी हुई है, चलिए आपको दिखाते हैं कैसी है हल्दी घाटी। नीचे से सही से दिख नहीं पाओगे, इसलिए ऊपर से आपको दिखा रहे हैं ऊपर से कैसी लगती है, ऊपर से अच्छे से जज कर पाओगे आप कैसी थी हल्दी घाटी। तो वहाँ से आके हम आ चुके हैं फिन बीच के ग्राउंड पे, यहाँ पे क्या था वो सही से नहीं देखे थे, तो यहाँ देखने आए हैं। और यहाँ पे आप भी मज़े लीजिए, बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल डांस हो रहा है यहाँ पे राजस्थान का। राजस्थान का जो ट्रेडिशन होता है वो सब यहाँ पे छोटा छोटा व्यूज़ होगा, सब कुछ देखते हैं, दिखाने का कोशिश करते हैं आपको। चलिए देखिए।
शाम हो चुकी है, शाम होने के साथ साथ माहौल चेंज हो चुका है क्योंकि लोग भी बहुत आ चुके हैं और लाइट जल चुके हैं, तो कुछ अलग ही लग रहा है माहौल। और यहाँ पे खटिया बिछाए हुए हैं सबको बैठने के लिए। और चलिए कुछ और देखते हैं यहाँ पे आस पास में क्या देखने को मिलता है। यहाँ सामने भी ट्रेडिशनल डांस चल रहा है, देखिए और यहाँ पे राजस्थान का फेमस कठपुतली डांस चल रहा है, तो ये भी थोड़ा देख लीजिए कैसा होता है कठपुतली डांस। और यहाँ पे अंदर में एक छोटा सा जल सरोवर है जहाँ पे थोड़ा सा पानी वो के रखा हुआ है नदी की तरह, और बहुत सारे भगवानों की मंदिर छोटी छोटी बने हुए हैं। तो यहाँ का भी एक लुक ले देख लीजिए कैसा है। और ये म्यूज़ियम है जहाँ पे पुराना पुराना सामान दिखाया गया है राजस्थान का, जो गाँवों में पुराने सामान कैसे लुक होता है, कैसे सामान रखे रह जाते हैं, बर्तन बासन, जो कल्चरल एक नियम होता है वो सब दिखाया गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सांप का खेल दिखाया जा रहा है जो कि बहुत ही फेमस। और यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी है, जैसे शूटिंग है, ताथी लाना है, बहुत कुछ है स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो कि बहुत ही कम दाम में ही आपको खेलने को मिल जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो खेल सकते हो, मैं खेला नहीं यहाँ पे, तो खेलने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है एंजॉय करने के लिए। और ये यहाँ का शॉपिंग मॉल बोल सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे दुकान हैं जहाँ पे अलग अलग यहाँ का ट्रेडिशनल सामान मिल जाते हैं, और जो रेट भी होते हैं वो भी रीज़नेबल होते हैं, फिक्स प्राइस है बट रीज़नेबल प्राइस है, आप ले सकते हो आराम से यहाँ से, तो अच्छा ही है देखने के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। দাম বহুত কম আছে, দাম সবে বহুত কম, যদি বাইরে কম দাম হয় ইয়াতে কম আসবা।
तो यहाँ घूम घूम के हम थक चुके हैं पूरी तरह, और अभी टाइम हो रहा है 8:30, और रात भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सिटी के बाहर है, इसलिए हम खाना खा के अब निकलेंगे। तो यहाँ तक आप वीडियो देखे हो, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ का जो खाना है कैसा है वो आपको एक झलक दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मोबाइल में हम लोग का चार्ज भी कम है और थक भी चुके हैं बहुत ज़्यादा, और हमें बहुत दूर जाना है तो बैटरी की चार्जेस लगेगी उतने दूर तक जाने को। और यहाँ पे खाना खाने के लिए हम आ चुके हैं, और जो सर्व कर रहे हैं आप देख सकते हो कैसे स्टाइल में सर्व करते हैं, और जो कि हमने लिया था सिर्फ वेजिटेरियन फूड, तो वेजिटेरियन फूड ही खा रहे हैं, लोकल जो ट्रेडिशनल फूड होता है वैसा ही है। तो हम लोग को बस एक ही अलग लगा कि हम लोग ज़्यादा माखन नहीं खाते हैं, दही घी भी बहुत कम खाते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा माखन और घी दिया है उसके ज़्यादा खा नहीं पाए, तो थोड़ा जो भी पसंद आया। तो अभी हम लोग का खाना स्टार्ट हो गया है, हम यहाँ पे वीडियो एंड कर रहे हैं, खत्म कर दिया है, तो अभी धीरे से वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, खत्म कर सब कुछ, जैसे आता हम नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।